सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये हम लोग DPY फिल्म एंटरटेनमेंट जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम लोग ओपन किए हैं, सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हम लोग के पास आए, इंटरव्यू ले रहे हैं, ताकि आप लोग के माध्यम से हम लोग आगे जाएं। और ये मेरे अंकल जी हैं, इनका आशीर्वाद है मुंबई में, और हम इस समय मुंबई में टिके हुए हैं। आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमेशा ऐसे प्यार दुलार देते रहें। और ये सर स्टूडियो बनाने के लिए हम लोग सर बहुत स्ट्रगल किए हैं शुरू से ही, और आगे भी हम लोग करेंगे। कहा जाता है ना कि गमों के धूप में चेहरा छुपा कर चलना पड़ता है, कि गमों के धूप में चेहरा छुपा कर चलना पड़ता है और इंसानों की बस्ती में बदन सजा कर चलना पड़ता है। भले ही मेरे कद से आपका कद बहुत ही ऊंचा हो, लेकिन जिंदगी के चढ़ाव में कमर और गर्दन झुका कर चलना पड़ता है। क्या बात है। जी, थैंक यू। सर स्टूडियो की क्या खासियत है, क्या बात है, क्या सर इसमें सबसे पहले खासियत तो ये रहेगी सर कि ये जो आजकल का भोजपुरी जो है ना, ये लुप्त हो रहा है। पुरानी चीजें वो चीज नहीं आ रही है। जैसे कि पहले के जो जमाने में हम लोग की माताएं जो रहती थी, वो लोग लोरी सुना के हम लोग को सुला देती थी, और आजकल का जो जमाना है गोली भी लोग खा रहे हैं तब भी नींद नहीं लग रही है। और पहले के जमाने में लोग माताएं या मेरे बुजुर्ग लोग होते थे, वो लोग लोरी सुना के ही सुला देते थे। ये सर है। और स्टूडियो का खासियत मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सर हम लोग को बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट करना है। हम लोग कोई बिजनेस नहीं किया है। जो यहाँ पे आएगा, कोई भी आएगा, एनी टाइम सबके लिए खुला हुआ है। एक गरीब आए या अमीर आए, कोई दिक्कत नहीं है, आए आराम से बिंदास हो गए करे। और ये खासियत इसमें का ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि सर हम लोग जो भी करेंगे मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज़ करेंगे। तब परिवार से कितना सहयोग मिला आपको? सर परिवार से पूरा भरपूर सहयोग मिला है। आज परिवार का देन है कि हम लोग मुंबई में टिके हुए हैं, और ये सारा चीज़ जो भी देख रहे हैं आप DPY फिल्म एंटरटेनमेंट का स्टूडियो, ये सब परिवार की वजह से मिला है। अंकल क्या कहेंगे? अंकल आप बच्चे क्या शुभकामना देंगे? बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, सब बच्चों का आशीर्वाद है हम लोगों का, और हम चाहेंगे कि लोग आगे बढ़ें। हमारा यही आशीर्वाद है कि अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो फिल्म से हटके काम कर रहे हैं, एक लीड जो पूरे सर्विस वाले है परिवार में, और ये इस तरफ रुख की है, तो क्या कहेंगे? अब इन लोगों का बचपन से ही लगाव है, संगीत से बचपन से ही लगाव है, इसके लिए ये लोग थोड़ा हटके अपना वो करना चाह रहे हैं। परिवार में सर्विस है, लेकिन ये थोड़ा हटके करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों का आशीर्वाद है कि चले भाई, जितना आगे बढ़े उतना आगे, हम लोग पीछे से सहयोग करेंगे। थैंक यू।